Hey guys, welcome back to new vlog. और आज मम्मी होगी एकदम आक्रमक, तो चुपचाप खाना खा लेते हैं. और खाना मैं चावल दिखाता हूँ, बैंगन बनाया. पर मम्मी इतनी आक्रमक इस टाइम है कि मना करना आबेल मुझे मार वाली कहानी हो जाएगी. तो खा लेते हैं जो बना है. खाना मतलब जो भी बने खा लेना चाहिए खुशी खुशी. कोई नहीं, चलो खाते हैं. हाँ ले रहा हूँ. ठीक है. मैंने बहुत कोशिश की पर सीजर के लिए कोई स्कूल नहीं मिल रहा था. कोई भी सारे स्कूल खुल गए हैं पर कोई भी स्कूल इसको एडमिशन नहीं दे रहा है. तो इसको घर में एडमिशन मिला है दीदी के ट्यूशन में. सीजर आपका बैग कहाँ है? सीजर खुजली करने वाला स्टूडेंट. सीजर आपका बैग कहाँ है? बैग पढ़ाई करो. चलो फाड़ूंगा, पहले फाड़ूंगा सारी किताब, फाड़ फूड के कर दूंगा, उसके बाद कुछ करूँगा. ये देखिए पहले चाटे वाटेंगे सबको, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे. ए लड़के सीजर नहीं नहीं, ये बहुत एटीट्यूड वाले स्टूडेंट है, इनको निकाला जाए ट्यूशन से. बाहर जाओ, चलो चलो निकलो यहाँ से निकलो. सो गाइस खाना वाला तो खा लिया है. आज मम्मी डैडी ने वैक्सीन भी लगवा ली है. अब पीछे से ठक 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 करते रहेंगे, मुझे व्लॉगिंग नहीं करने देंगे. मैं दिखाता हूँ क्या आवाज़ आ रही है. ये देखो ये बन रहा है मकान. वहाँ ऊपर लगने वाला है लेंटर. कहाँ गया वो. तो इसलिए खट 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 कर रही है और मैं इरीटेट हो रहा हूँ. 4:30 बज गए और मुझे व्लॉगिंग करनी है और ये लोग खट के कारण मैं व्लॉग नहीं कर पाया. कभी तोड़ रहे हैं, कभी जोड़ रहे हैं, कभी तोड़ रहे हैं, कभी जोड़ रहे हैं. नाइट व्लॉग करूँ क्या गाइज? सिर्फ रात रात में जिसमें कोई आवाज़ ही नहीं आए, क्योंकि रोड भी एकदम पास में ही है. यहाँ से ही हूँ होता रहता है. ऐसी खटखट भी स्टार्ट हो गई है. कोई नहीं चाहता यार व्लॉगिंग करूँ मैं. क्या बोल दिया मैंने? नहीं नहीं चाहते हैं बहुत से लोग चाहते हैं. इतने सब्सक्राइबर हैं तो चाहते होंगे. ओह ये इरिटेट कर रहा है. आप देखो इसी कैसे बाजार है. जर्र बाद में आता हूँ क्लिप. खाना वाना खा के रेडियो के रेस्ट कर रहा था थोड़ी देर. तो विशाल का फ़ोन आया कि भाई चलते हैं कहीं, थोड़ा घूम के आते हैं, मौसम भी अच्छा है. मैंने कहा ठीक है. विशाल अपनी बुलेट लेके आया तो आज बुलेट से चलेंगे कहीं. सभी लड़कों की ड्रीम होता है कि वो बुलेट चलाएं, तो आज चलाते हैं बुलेट भी. ब्लॉगर की लाइफ, कोई भी अच्छा सीन दिख जाए तो सिनेमैटिक बनाने के लिए रुकना पड़ जाता है. हम मैंने विशाल को पिछले 10 मिनट से रोक के रखा है और पीछे का व्यू देखना कितना सुंदर लग रहा है. और बेचारा मुझे को वहाँ खड़ा है बाइक पे वेट कर रहा है. मैं यहाँ पे सिनेमैटिक ले रहा हूँ. क्या बात है. भाई ये एक रील डालने वाला है, ये रील डालने वाला है. और हालत देखो, हेलमेट ये बैग मेरे को, ये हेलमेट लगा. चलो अभी घर में आए तो ये एज यूजुअल अपनी चप्पल काटने का कर रहे हैं. चप्पल खोर चप्पल खा रहे हैं और ये अपना स्प्राउट्स खा रही है. इसको कॉल भी आ गया किसी का. मम्मी चाय बनाने की, मैं अभी मम्मी को बोलने वाला हूँ चाय बना दो मम्मी. तो मम्मी क्या बोलेगी देखते हैं. डिश क्या बनाओगे? हम चाय बना दो ना यार. मम्मी चाय बना दो. मम्मी चाय बना दो. मम्मी चाय बना दो. मम्मी अभी ननको आएगा तो तुम बना दोगे. एक और सफलता इसी के साथ. पैसे उठाते तुमको ये सुबह रे जोस पहले तो से चढ़ेगा ना पेट रखते उस पे. देखना कैसे करता है.
अगर हपकेगा तो फिर हपका हपक कौन आया? अब पट्टा बांध के कौन पूछता है ये कितनी उंगली है? ये खुद उसी में खेलेगा, आप देखना। डैडी जा रहे हैं, डैडी जा रहे हैं, आप तो डैडी जा ही रहे हैं। एक्टिवा ये क्या? एक्टिवा को खाना दे दो। चलो मम्मी इतनी शानदार सब्जी बनाने जा रही है। कौन सब्जी मम्मी? अरवी की। आलू अरवी? अरवी की तरी वाली सब्जी। अरे मम्मी वो बनाओ ना किसी दिन, वो जिमीकंद। जिमीकंद क्या बोली? आज सुबेरे तो मम्मी क्या ही बनाई थी। मैं आज मेरा खाना तो कोई देखे? हरी चटनी, चावल, माँ कसम मेरा भी खाना, इसलिए मैंने व्लॉग में दिखाया नहीं, मैं हरी चटनी और चावल खाया था। क्या हो गया इस घर में? इस घर में सिर्फ मम्मी अपने मन का अनार ही खाती। क्या कर रही हो मम्मी, तुम्हें क्या चाहती हो? क्या खाओगे? कुछ नहीं, और बाहर से खा के मोटे जा रहे हम लोग। हाँ। लग रहा है माँ बाप कितना खिलाते हैं। अरे अपने खा के नहीं देखे तो ये बैगन निकल रहा है हम लोग पेट से। बैगन, आलू, तुम्हारा मम्मी ग्रीन सब्जी वो कहाँ गया? वो तुम्हारा वो खाएगा, उसको खिलाओ कच्चा कच्चा, जितना खिलाना खिलाओ। हम मम्मी चाहे कुछ अरबी तो नहीं खा। लो बेटा, काम कम खजूरा आ जाएगा। तो क्या खाओगे बोलो? कुछ बना दो, नमकीन चावल बना दो, दही से खा लेंगे। हाँ यार, फ्राइड नमकीन चावल अगर बन जाए सोयाबीन वाला, दही के साथ मज़ा आ जाएगा। वो खा लेंगे, पर हम अरबी नहीं खाएंगे। वो भी मैं नहीं खाऊंगा। दीदी मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं साथ क्या, इंसान यहाँ बेकार हो गया खाने के लिए। फ्राइड राइस बनाया, पनीर ले आओ, मटर ले आओ, फ्राइड राइस। सामान लेके आऊँ फिर फादर से, इतना बाप से अपने पूछ लो, वो सिर्फ अपने मन का मना ही खिलाएगा। रोल को रैप खा जाता है। इसी मन कर रहा है मेरा, अच्छा अच्छा खाने का, मैगी का बर्गर खाने का, चरंगी का रोल खाने का, इतना मन कर रहा है ना ऐसी चीज खाने का। पता है भूख पेट में है पर खाना बहुत खराब बन रहा है। और जो जो लौकी तोरी खाता है उससे पूछो हमारे यहाँ की सब्जी लपड़पा के खाता है। तो मम्मी तो वो कभी कभी खाते हैं, यहाँ अपने जीवन का 27 साल इस खाने में दफन कर दिया। बैकआउट करो उसको जिंदगी से, चावल दाल रोटी सब्जी। नहीं तो दिमाग थोड़ा सा चार्ज कर रही हो अपने आप को। और वहाँ पे बैठे हैं अपना बैटरी लो करके। गोलगप्पा देखते तो लालच है। मैं बताऊँ गोलगप्पा टिक्की चाट खाने का मन नहीं है, बट अरवी और केरला और नेनुआ तोरी और गोभी और आलू। नहीं आलू कभी चाहिए, गोभी नहीं खानी। ये चार से पांच सब्जी एक दूसरे हट जाए। और भिंडी भी, और पहली बार तो भिंडी से मन भरा है। भिंडी तो कल कुंदरू बना देंगे। अब से मैं हफ्ते में एक दिन निकालूं तुम्हारा इनर वॉइस करी, मेरी शादी करे वाओ, मेरी शादी करे वाओ। नहीं मेरी इनर वॉइस कह रही है कि इतना अपने बिजी शेड्यूल में से एक घंटा निकाल के सब्जी लेने जाऊंगी मैं हफ्ते की। ये कहाँ भैया, इस ठेले पे क्या है? हमारे लौकी भी, अरे इसकी इस ठेले से कुछ सवाल ही है। तो तुमको तो फिर लक्ष्मी नगर जाना पड़ेगा शॉपिंग करने के लिए। खाना वाना हो गया है, इतने लड़ने के बावजूद भी
हम लोग को वही खाना मिला है। अरे ओके, तो इतने लड़ने भंडे के बाद में उसका मूड भी खराब है क्योंकि वही अच्छा, मिला मैगी। तो आज कल लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, टॉफी खा खा करके हम लोग ज़िंदगी काट रहे हैं, हम लोग खाना नहीं मिल रहा है, लो एनर्जी, सिर में दर्द ऐसे हो रहा है, एक आध दिन और खाना खाए तो हम लोग यहाँ से गायब हो। कोई बात नहीं, चलो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, खुद स्माइल के साथ कौन करता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ओके बाय, टाटा सागर।